अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो एवरीवन, आपका दोस्त आपका होस्ट राजा फरहान। जिससे टेम्परेचर आजकल ऑलमोस्ट 40 डिग्री है, मे बी विद इन वीक और टू इट विल बी आई थिंक गो इंक्रीज टू 45। सो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूं गर्मियों में अपने कबूतरों को कैसे बचाना है। मैं ऐसे ये करता आया हूँ शुरू से, जब से मैंने पिजन्स रखे हैं। अच्छा, इसके अंदर आप नॉर्मली जो मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई है उसके अंदर ठंडा पानी था, थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा। ये ओवरनाइट स्टे किया है लेकिन मैं नहीं यूज़ कर पाया, उसके बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। तो आज मेरे पास टाइम है तो मैंने कहा मैं चले आप लोगों को ये साथ देते हुए भी वीडियो बना देता हूँ। सो ये आपने इसके अंदर पोर कर देना है। ये मेरा एक्चुअली कोई आई थिंक 3 लीटर पानी है इसके अंदर, और 3 लीटर पानी के अंदर इतने से 8-10 आलू बुखारे और इमली इनफ होगी। इसका जो जूस है वो निकल आएगा। ये इसमें से मैंने जो सारी इसकी बीज वगैरह थे जो निकलते हैं इमली वगैरह से आलू बुखारे से, वो मैंने निकाल दिए। अब ये गुद्दा इसके अंदर डाल सकते हैं पानी के अंदर। स्ट्रेनर के साथ इसको आप मिक्स कर लें। अच्छा, जो मैंने ORS वगैरह का बताया था उस दिन वीडियो के अंदर कि आप ORS भी दे सकते हैं, तो अगर आपके पास ORS नहीं है इसकी जगह पे आप सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। नमकियात जो होती हैं कबूतरों के लिए ज़रूरी होती हैं, जब ये ब्रीडिंग कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं डालना। इसमें से आप मैं थोड़ा सा ये ORS डाल दूँगा इसके अंदर, कोई फ्लेवर भी ले सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है लेमन हो। आपने आप चाहें तो थोड़ा सा इतना सा नमक, लाइक इतना सा बस, थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून से भी बहुत कम। ये कोई ऑलमोस्ट 3.5 आई थिंक लीटर पानी, नहीं लीटर नहीं, आई थिंक 3.5 लीटर ही होगा। तो ये इतना सा पानी है इसके अंदर। ये मैंने इमली और आलू बुखारे का पानी मिक्स किया, साथ थोड़ा सा ये ORS डाला और डाल देते। तो ये जो मेरे ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं ये मैं उनको देने लगा था। एक और आपने काम करना है, अगर आपके कबूतर बीमार वगैरह हो रहे हैं, पोर्ट वगैरह बंद हो रही है, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, इसी के अंदर मैं कवर कर दूँगा। मैं दोबारा एक और वीडियो नहीं बनाने लगा। ये मैं बर्तन इसलिए इतने यूज़ करता हूँ, ये मेरे दूसरे लॉफ का है, ये इसका, ये अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर ये हमने ये ट्रे मैंने इसलिए रखी क्योंकि मैं पहले मैं ट्रे में डालता था दाना, लेकिन वो मैंने बंद कर दिया। अब इसके बाद ये एक और बर्तन लेके आए जिसके अंदर हम दाना डालते हैं और इनका ये कवर होता है। लेकिन फिर भी कबूतर जो है वो दाना, जब कबूतर ज़्यादा हो तो वो अंदर बीट वगैरह कर देते हैं, तो इसके जो भी गंद वगैरह हो आपने इसको साफ़ कर दिया करने दाना डालने से पहले। इस तरह आप इनको निकाल दें। ये निकल जाएगा, इससे ये है कि अगर ये खा लेंगे तो उससे पोर्ट बंद हो जाती है कबूतरों की। तो आपने कोशिश करना है जितना ये साफ़ रहेगा उतना ही अच्छा है। उसके बाद आप इसको कवर कर दें। दाना रेडी है, पानी भी रेडी है। अभी ये फीडर्स हैं, इनके अंदर मैं ये जो मिक्स पानी है ये मैं डाल दूँगा। अच्छा, मेरे पास 3 जगह पे मैंने कबूतर रखे हुए, वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। एक और काम, आपने जब भी पानी डालना है, ये बर्तन जो होता है ना इसका पुराने वाला, इसमें थोड़ा सा आप ये पानी डालें। बेसिकली यहाँ पे ये फंगस सा बन जाता है, ईस्ट इन्फेक्शन होता है इससे ये जो बर्तन होते हैं। तो आप कोशिश करें ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आप इसको साफ करें, थोड़ा सा हाथ मार दें। आपने उसके बाद ऑफकोर्स हाथ तो धोने ही धोने हैं, जब भी आप पिजन्स को फीड करते हैं उसके बाद अपने हाथ धोएं। तो इसको आपने साफ़ करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे इससे ये है कि कबूतर वगैरह जो वो भी इन्फेक्शन होता है, पेट में कोई भी बीमारी वगैरह इनके बनती है। इसको आप फ्लिप कर दें, पानी आ जाएगा फीडर में। उसके बाद ऐसे हम लोग कबूतरों को इधर दाना डाल देंगे। अच्छा, कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, मैंने आप लोगों को कभी दिखाई नहीं, तो ये अपडेट है। ये ऐसे मैंने क्रेट्स लगाए हुए,
ये ऑलमोस्ट 6 फीट की इसकी ये लेंथ बनती है, ये ग्रेड्स जोड़ के अंदर तारों से मैंने ये लगाए हुए हैं, और इनके जगह जगह पे कनालियाँ पड़ी हैं जिसमें ये अंडे वगैरह दें। कबूतरों का मैं थोड़ा शॉक करा देता हूँ आपको। इसमें मैंने एक लक्का पेयर भी रखा हुआ है, ये मेरा फेवरेट है, इसलिए कुछ फैंसी कबूतर मैंने मुझे जो पसंद है मैंने वो रखे हुए हैं। ये भी आई थिंक 3-4 दिन के छोटे छोटे बच्चे निकले हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं मैंने कबूतर छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो शौक होता है वो कभी भी इंसान छोड़ता नहीं है, कह सकते हैं कबूतर परवर कभी कबूतर नहीं रखना छोड़ता, चाहे उसे रखे होते हैं या नहीं रखे होते, लेकिन वो फिर भी कनेक्ट होता है कबूतरों के साथ। मैं आप सब लोगों से ये बोलूँगा कि कभी गिव अप नहीं करते, बहुत बहुत लॉस होते हैं। पीछे मैं एक उस्ताद का वीडियो देख रहा था, उनके सारे कबूतर मर गए, तो कोई इशू नहीं है, कबूतर बहुत जल्दी फिर दोबारा बनते हैं, बस दुआएँ चाहिए, इंसान की ज़िंदगी होनी चाहिए। अच्छा, इस पर थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क दिखाऊंगा, टैडी और अली वाला। ये अली वाला कबूतर है और ये टैडी कबूतर है। टैडी कबूतर की हाइट ज़्यादा होती है, उसकी टांगों की लेंथ ज़्यादा होती है। ये इधर वैसे बैठे हुए हैं, इतना फ़र्क नहीं पता लग रहा, ये देख सकते हैं आप। टैडी कबूतर जो है सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे आप कह सकते हैं कि ये अली वाला है। इनकी टांगें छोटी होती हैं, और जो राइट साइड पे है टैडी कबूतर, इनकी टांगें लेंथ में होती हैं, और इनके जो लेग्स हैं ये थोड़े से बाहर निकले होते हैं। तो ये फ़र्क मैं आपको थोड़ा सा टैडी में बता देता हूँ, अली वाले और टैडी में लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। बाहर से लॉफ दिखा देता हूँ, जो मेरे कबूतर रेडी हो रहे हैं, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उनको मैं ऐसे जाल में छोड़ा, ऊपर बच्चे पड़े हुए हैं, एक दो बड़े कबूतर हैं। कुछ मेरे कबूतर इस लॉफ में हैं, जो बेसिकली इधर से जो एक्स्ट्रा एग्स होते हैं उनको मैं शफल उधर कर देता हूँ, तो वो ब्रीडिंग करते हैं। तो ये सिर्फ एग्स के लिए, वो ब्रीडिंग के लिए बना हुआ है। आगे इधर भी ब्रीडिंग होती है, वन टाइम इनसे बच्चे निकलते हैं, फिर जो इनके 18 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जो ये एग्स देते हैं वो आगे शफल उनमें चले जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मैं इंशाल्लाह और वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा बहुत जल्दी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।